हेलो फ्रेंड्स, आई एम राजेश। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे फाइल टाइप के अंदर बेसिकली जनरेट, शेयर, अडोब स्टॉक, बेसिकली अडोब सर्च स्टॉक, बेसिकली प्लेस इमीडिएट, प्लेस लिंक, और यहां से फाइल इनपुट, प्रिंट, प्रिंट कॉपी और एग्जिट, ये सारे कमांड्स हम आज कवरअप करेंगे फाइल टाइप के अंदर। तो शुरू करते हैं फाइल टाइप में। बेसिकली हम यहाँ से शुरू करते हैं जनरेट से। तो जनरेट के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, फाइल पर जाना होगा। यहाँ से न्यू पर जाके एक हम ब्लैंक फाइल लेंगे और यहाँ पर मैं कुछ आता हूँ यहाँ कस्टम शेप से और यहाँ से कुछ मैं शेप्स ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर ये शेप ड्रॉ कर लेता हूँ और भी कुछ अलग अलग मैं क्या करता हूँ शेप्स यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ से आता हूँ यहाँ पर और भी मैं शेप्स ड्रॉ कर लेता हूँ। इस तरह से मैं कुछ शेप्स यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब ये शेप्स सारे अलग अलग मैं ड्रॉ कर लिया। हो सकता है जो मैं यहाँ पर जैसे शेप ड्रॉ किया हूँ, मैं चाहूँ तो यहाँ से शेप के अलावा यहाँ पर कोई टेक्स्ट भी यहाँ लिख सकता हूँ। यहाँ पर मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। इसका भी मैं क्या करता हूँ यहाँ से थोड़ा कंट्रोल भी अगर चेंज करना है तो मैं रन लिखाऊंगा बेसिकली इसको। अब मुझे ये करना है, जब ये तो शेप मैं ड्रॉ कर लिया, इसको मैं क्या करता हूँ किसी फोल्डर के अंदर डाल देता हूँ। यहाँ पर एक ग्रुप लेता हूँ, ये फोल्डर हो गया, ये ग्रुप पूरा हो गया। इसके अलावा चाहूँ तो मैं इस ग्रुप को बंद कर दूँ और भी मैं यहाँ पर कुछ काम कर लेता हूँ। जैसे कि मैं कोई फ़ोटो ओपन कर लेता हूँ ये, और उस फोटो को मैं क्या करता हूँ यहाँ से कोई भी एक फ़ोटो ले लेता हूँ और उस फोटो को क्या करूँगा, जैसे ये फ़ोटो को मैं ले लेता हूँ, इस फोटो को भी मैं क्या करता हूँ यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये इस ग्रुप से बाहर ना रखता हूँ, इसको मैं ग्रुप के बाहर रखूँगा इस तरह से बेसिकली। अब इसके मैं आईज को क्लोज कर दूँगा और भी मैं चाहूँ तो एक आध फोटो इस पर ले लेता हूँ, जैसे कि मैं इसको भी ले लेता हूँ। यहाँ से इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और इतने पार्ट को काटूँगा, कंट्रोल सी कंट्रोल डब्ल्यू यहाँ पेस्ट कर दूँगा। एक आध और भी डाल देता हूँ, जैसे कि मैं इसको भी डाल देता हूँ, कंट्रोल ए कंट्रोल सी कंट्रोल डब्ल्यू और मैं यहाँ पर इसको भी डाल देता हूँ। अब मुझे बेसिकली क्या करना है, यहाँ पर आता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर आता हूँ फाइल में और यहाँ से जनरेट में इमेज एसेट पर क्लिक करूँगा। अब इसके बाद हमको क्या करना है, जैसे कि इमेज एसेट पर मैं क्लिक किया उसके बाद मैं क्या करूँगा, जैसे कि ये वाला फाइल है, अब पहले इस फोटोशॉप फाइल को मुझे सेव करना होगा तो कंट्रोल एस करूँगा और मैं यहाँ पर डाउनलोड्स के अंदर इसको मैं मेनू बार के अंदर मैं एक फोल्डर ले लेता हूँ जनरेट करके, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ। ये फाइल मैं सेव कर दिया। अब हमको क्या करना है, जैसे ही मैं लेयर पर यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पर डॉट जेपीजी लगाऊंगा तो ये क्या करेगा, ये एक फोल्डर वहाँ जनरेट करेगा और डॉट जेपीजी फाइल के साथ ये वाले इमेज को हमको सेव करके बेसिकली यहाँ बना के दे दिया। यही काम चाहूँ तो मैं किसी लेयर के साथ भी कर सकता हूँ। अब जैसे जो मैं इसकी आईज को यहाँ से क्लोज करता हूँ, इसकी आईज को ऑन करता हूँ, अब जैसे जो मैं यहाँ पर ये टेक्स्ट लिखा हूँ, अगर इसको मैं पीएनजी में कन्वर्ट करना चाहूँ तो डॉट पीएनजी लिखूंगा और इसको मैं सेव करूंगा तो मेरा यहाँ पर क्या होगा, ये देखो ये बेसिकली पीएनजी फॉर्मेट में ट्रांसपेरेंट लिख किया गया। चेक करना है तो इसको इस तरह से यहाँ पर ड्रैग करूंगा और इस तरह से फोटोशॉप में इसको ओपन करके आप देख सकते हो। तो ये बेसिकली जनरेट का यूज होता है। इसके अलावा जनरेट में आप चाहो तो जैसे मैं इसको पीएनजी बनाया, इसको मुझे जीआईएफ बनाना है तो डॉट जीआईएफ लिखूंगा तो बेसिकली उस फॉर्मेट में हमको इसको भी जनरेट करके यहाँ दे दिया ये जीआईएफ फॉर्मेट में। इसके अलावा आप जो भी चाहो तो अगर मैं ट्राई करता हूँ डॉट पीडीएफ करके देखता हूँ दे रहा है कि नहीं, यहाँ पर डॉट मैं लगाया पीडीएफ भी टाइप करता हूँ पीडीएफ, क्या ये पीडीएफ ले लेगा देख लेते हैं। आपने पीडीएफ में एरर कर दिया बेसिकली, यहाँ पर डबल क्लिक करके देख सकते हो सेफ जो है पीडीएफ को नहीं ले सकता। बेसिकली इमेज फॉर्मेट कोई भी आप दोगे यहाँ से आपको ले लेगा, या पीएनजी लेना है आपको पीएनजी भी ले लो, यहाँ से जेपीजी लेना है जेपीजी भी ले सकते हो। यहाँ पर इसका बन के आ गया होगा ये देख लो। अगर मैं चाहूँ जैसे कि ये ग्रुप मैं लिया हूँ, इस ग्रुप को पूरा जनरेट करने के लिए यहाँ ग्रुप वन के जगह पर बेसिकली हमको क्या करना है, यहाँ पर इसको क्लिक करूंगा और इसके साथ लगा दूंगा डॉट पीएनजी, ये क्या करेगा इस पूरे ग्रुप लेयर को ही जनरेट करके यहाँ पर आपको दे देगा। देखो दिया है ग्रुप वन पीएनजी, इसको मैं ओपन करूंगा तो ट्रांसपेरेंट ही ओपन होगा। देखो तो ये होता है फोटोशॉप में जनरेट ऑप्शन। इसके बाद हम बात करते हैं जनरेट के बाद शेयर। अगर इस फाइल को मुझे शेयर करना है, कहीं मेल करना है, किसी व्हाट्सएप पर भेजना है, शेयर पर क्लिक करूंगा
यहाँ से बेसिकली आपसे पूछ रहा है कि बेसिकली आपको वन नोट के थ्रू बेसिकली मेल मेल करना है, तो यहाँ से मेल पर क्लिक करोगे, मेल का ऑप्शन आएगा, यहाँ से मेल लॉगिन करके आप किसी को भी डायरेक्टली इस फाइल को सेंड कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर सर्च अडोब स्टॉक। अडोब स्टॉक क्या होता है, बेसिकली हम यहाँ से ऑनलाइन आपको अडोब के साइट पर लेके जाएगा और यहाँ से आप कोई भी सेव कोई भी इमेज आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। इसके बाद हम आते हैं इसके नेक्स्ट ऑप्शन पर, यहाँ पर प्लेस इमीडिएट। प्लेस इमीडिएट क्या होता है, जैसे जब मैं कोई प्लेस इमीडिएट पर क्लिक किया और मैं यहाँ से कोई भी इमेज इसके अंदर मैं क्या कर लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ, ये क्या हुआ जी, इसके अंदर ये खुल के आ जाए फाइल के ऊपर, तो यहाँ पर ये आता है, इस पर मैं डबल क्लिक करूँ तो यहाँ पर मैं इसमें मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ, फिर से मॉडिफिकेशन करने के बाद सेव करके यहाँ से क्लोज करूँगा तो मेरा फाइल यहाँ अपडेट हो जाएगा। इसके बाद इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है प्लेस लिंक। प्लेस लिंक क्या होता है, जे अगर मैं ये फाइल यहाँ से ओपन करता हूँ ये क्या करेगा, इस फाइल से लिंक करेगा, बेसिकली इससे लिंक कर दिया। अब मैं इस फाइल को डिलीट करता हूँ, ICS नाम से जो यहाँ पर फाइल है इसको मैं क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ यहाँ से। अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और इसको भी डिलीट कर देता हूँ, ये वाला इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ एक नंबर को, अब ये क्या है कि अगर मैं दोनों में डिफरेंस क्या, अगर वह है दोनों का लिंक और ये फाइल में डिलीट कर दिया हूँ तो प्लेस इम्बेडेड पर जब मैं यहाँ पर ये वाला था इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये बेसिकली हमको फोटोशॉप में मॉडिफिकेशन करने के लिए दे देगा। लेकिन बात करें हमारा ये लिंक वाला, तो यहाँ पर देखो व्हाट का साइन आ रहा है लिंक वाला में, बेसिकली फाइल वहाँ से मिसिंग है, इस पर मैं जब क्लिक करूँगा तो ये हमको सर्च करने फोल्डर में लेके आ रहा है, कह रहा है जी ये फाइल आपके फोल्डर में नहीं है, जहाँ है वहाँ से इसको लिंक कर दो। तो बेसिकली ये क्या करता है, उस फाइल से आपका लिंक करता है। तो प्लेस इमीडिएट और लिंक में यही डिफरेंस है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे यहाँ से फाइल इंफॉर्मेशन। अब जैसे ये फोटो मैं बना रहा हूँ, अब इस फोटो के बारे में मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन लगाना है, जैसे जी यहाँ से फाइल इन्फो पाया तब यहाँ से जैसे बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया, जैसे जो डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या है, ऑथर क्या है, बनाने क्या है, ऑथर का टाइटल क्या है, ऑथर के बारे में क्या है, इस इमेज की रेटिंग क्या है और इसका कीवर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं, इसके नोटिस क्या होते हैं, फिर कैमरा कौन से कैमरा से लिया गया, फिर ओरिजिन क्या था, फिर ये सारा मतलब अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, ये फोटो से रिलेटेड जितना भी इन्फॉर्मेशन है मैं डाल के ओके करूँगा तो क्या होगा, इस फोटो के साथ उसका इन्फॉर्मेशन जो है सेव हो जाएगा। तो ये होता है बेसिकली हमारा फाइल इंफॉर्मेशन। उसके बाद प्रिंट है, अगर मुझे इस फाइल को प्रिंट करना है अपने प्रिंटर से तो प्रिंट पर क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, हमको प्रिंट प्रीव्यू देगा, यहाँ पर आपको जिस भी फॉर्मेट में प्रिंट करना उस फॉर्मेट में यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से सारे प्रिंट की सेटिंग आती है, स्केल टू फिट करूंगा तो क्या होगा, इमेज इस पेज के हिसाब से फिट हो जाएगा। यहाँ से आप जिस भी प्रिंटर से प्रिंट करना है यहाँ से आप प्रिंटर सेलेक्ट करोगे और यहाँ से जितना कॉपी आपको प्रिंट करना है प्रिंट करके, यहाँ से प्रिंट सेटिंग भी आएगा, यहाँ से भी आप डायरेक्टली कमांड देके प्रिंट निकाल सकते हो, बेसिकली सॉफ्ट कॉपी टू हार्ड कॉपी आप कन्वर्ट कर सकते हो। अगर बेसिकली वहाँ से हम मल्टीपल कॉपी भी हम प्रिंट कर सकते थे, यहाँ से हम नंबर ऑफ प्रिंट कॉपी डालेंगे और 10 कॉपी निकालेंगे तो 10 निकाल सकते हो। लेकिन बात करें यहाँ से प्रिंट वन कॉपी, प्रिंट वन कॉपी पर क्लिक करूँगा तो डायरेक्टली प्रिंटर को प्रोसेस करेगा, एक कॉपी आपको प्रिंट करके दे देगा। इसके बाद बात करते हैं एग्जिस्ट क्या होता है, कंट्रोलिंग। इस फोटोशॉप से अगर बाहर निकलना है बंद करना है तो कंट्रोल क्यू प्रेस करते ही ये फोटोशॉप से हम बाहर आ जाएंगे।